हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर सॉल्यूशन। टुडेज टॉपिक इज अबाउट लैप लेंथ, कि कहां पर कितना लैपिंग देनी चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों, व्हाट इज लैप लेंथ? लैप लेंथ इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन द रेनफोर्समेंट। Lapping can be defined as the overlapping of two bars side by side to up to the design length. It is the length of overlap of bars required to safely transfer stress from one body to another. दोस्तों, जब कोई ऊंची बिल्डिंग या होटल बनते हैं तो उनमें कंटिन्यूस बीम और कंटिन्यूस कॉलम प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एक स्टील बार की फुल लेंथ 12 मीटर होती है, तो इन बीम और कॉलम की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए हमें एक बार से दूसरी बार को जॉइंट करना होता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे ऊपर से जो भी लोड आए बिल्डिंग या होटल का, वह पूरा लोड बार टू बार यानी एक बार से दूसरी बार होते हुए नीचे फाउंडेशन तक सेफली चला जाए। तो दोस्तों, यह स्टील रॉड्स जहाँ पर जॉइंट होती हैं उस लेंथ को लैप लेंथ कहते हैं। व्हाट आर ओवरलैप लेंथ फॉर कॉलम्स, बीम एंड स्लैब? अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉलम, बीम और स्लैब में कितना लैप लेंथ लिया जाता है। दोस्तों, शुरुआत करता हूँ कॉलम से। दोस्तों, लैप लेंथ ग्रेड ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है, इसलिए यह फिक्स नहीं होता। तो यहाँ पर कितना लैप लेंथ लेना चाहिए, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर स्ट्रक्चर और लोड के मुताबिक हमें बताता है कि यहाँ पर कितना लैप लेना चाहिए। पर मोस्टली कितना लैप लेना चाहिए या मैं आपको बताता हूँ। एज पर IS कोड 456/2000, ओवरलैपिंग लेंथ शुड नॉट लेस देन 75 mm। फॉर लैप लेंथ ऑफ कॉलम वी टेक 45D, वेयर D इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बार। यानी दोस्तों, हम जो पढ़ाई के दौरान IS कोड 456/2000 का इस्तेमाल करते हैं, उसके मुताबिक जो लैप लेंथ होती है वह 75 mm से कम नहीं होनी चाहिए। पर दोस्तों, मैंने प्रैक्टिकली कई जगहों पर देखा है कि लैप लेंथ अलग अलग लिया जाता है स्ट्रक्चर और लोड के मुताबिक। जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि लैप लेंथ ग्रेड ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है, पर मोस्टली 45D लेकर कैलकुलेशन करते हैं। लैपिंग शुड नॉट बी प्रोवाइडेड एट द सेंटर ऑफ द कॉलम। दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लैप कहाँ पर देना है। तो दोस्तों, लैप कॉलम के सेंटर में प्रोवाइड करा जाता है। अब आप सेंटर में कहाँ प्रोवाइड कराएंगे? तो दोस्तों, मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है। कॉलम की जो भी फुल लेंथ होती है, जो कि हमने माना कि वह लेंथ L है, उसको आपको चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ऊपर का L/4 पार्ट और नीचे का L/4 पार्ट को छोड़कर जो भी बीच का पार्ट बचता है, उस एरिया को लैपिंग जोन कहते हैं। उस लैपिंग जोन में कहीं पर भी लैप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी कॉलम की लेंथ 4 मीटर है और उसका हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, यानी सभी पार्ट 1 मीटर के होंगे, तो ऊपर का 1 मीटर और नीचे का 1 मीटर छोड़ के बीच का जो पार्ट बचता है, जो कि 2 मीटर का हुआ, वह लैपिंग जोन कहलाता है और उसमें हम लैप प्रोवाइड करा सकते हैं। दोस्तों, बेंडिंग मूवमेंट कॉलम के टॉप और बॉटम में सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पर हम लैप प्रोवाइड नहीं करा सकते, इसलिए कॉलम के सेंटर में लैप प्रोवाइड कराते हैं। लैपिंग ऑफ बार्स शुड बी प्रोवाइडेड अल्टरनेटली। इसमें ज़रूरी बात यह है कि हमें कॉलम में लैपिंग अल्टरनेटली प्रोवाइड करानी है। इसका मतलब, कॉलम में जो वर्टिकल बार्स खड़ी हुई होती हैं, उसमें लैपिंग एक ही जगह पर नहीं की जाती। मतलब जैसे किसी एक बार की लैपिंग जिस जगह पर की जाती है, तो उससे नेक्स्ट बार की लैपिंग पहली बार से जो पहली वाली जो स्टील बार है उससे ऊपर या नीचे होगी। अगर लैपिंग एक ही सीक्वेंस में कर देंगे तो वहाँ कॉलम के बेंड होने की आशंका होती है। लैटरल टाइज शुड बी प्रोवाइडेड क्लोजली स्पेस्ड इन लैपिंग जोन। दोस्तों, इसमें एक और महत्वपूर्ण पार्ट यह है कि जहाँ पर लैपिंग की जाती है वहाँ पर स्ट्रिप्स के बीच की स्पेसिंग कम की जाती है एज कम्पेयर टू रेस्ट पार्ट ऑफ द कॉलम। एज पर डिज़ाइन माना कि कॉलम में दी जाने वाली स्ट्रिप के बीच की स्पेसिंग 200 mm है, तो लैपिंग जोन में स्ट्रिप के बीच की स्पेसिंग 150 mm प्रोवाइड की जाएगी। अब मैं आपको बीम के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, बीम में दो तरह के पोर्शन होते हैं,
बीम का अपर पोर्शन कंप्रेशन जोन कहलाता है और लोअर पोर्शन टेंसाइल जोन कहलाता है। एज पर IS कोड 456/2000 फॉर लैप लेंथ ऑफ बीम वी टेक 24D फॉर कंप्रेशन जोन एंड 50D फॉर टेंसाइल जोन। द बेस्ट जोन ऑफ लैपिंग इज वेयर द मोमेंट्स आर जीरो फॉर कंटिन्यूस बीम और इन द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वेयर द वैल्यूज क्रॉस द एक्स एक्सिस और एट 1/4 फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम्स। दोस्तों सिंपली भाषा में कंप्रेशन जोन में आप 24D लेकर और टेंसाइल जोन में 50D लेकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। लैपिंग शुड बी डन इन मिडिल थर्ड पोर्शन ऑफ द बीम। दोस्तों इस बात का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि बीम में कभी भी लैप सेंटर में नहीं दिया जाता, क्योंकि बीम के सेंटर में बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो लैप कहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे? दोस्तों जहाँ पर बीम और कॉलम आपस में मिलते हैं, जिसे हम कॉलम बीम जंक्शन भी कहते हैं, वहाँ पर हम लैप प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों यदि कुछ ऐसी स्थिति बने कि कॉलम बीम के जॉइंट पर लैप नहीं दे सकते हैं, तो कॉलम के फेस से L/4 एरिया यानी बीम का 1/4 एरिया में लैप दे सकते हैं, वेयर L इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम, लेकिन बीम के सेंटर में नहीं दे सकते हैं। रिंग्स शुड बी क्लोजली स्पेस्ड एट लैपिंग जोन। कॉलम की तरह बीम में भी लैपिंग जोन में स्ट्रिप के बीच की स्पेसिंग कम होगी एज कम्पेयर टू अदर पार्ट। लैपिंग ऑफ बार शुड बी अल्टरनेट। दोस्तों कॉलम की तरह ही बीम में लैप अल्टरनेटली प्रोवाइड करानी चाहिए, मतलब कि यदि एक बार में लैप किया जाता है तो उससे नेक्स्ट दूसरी बार में लैप आगे पीछे होना चाहिए। यानी दोस्तों यदि किसी बीम में 4 सरिया आती हैं, तो उसमें से 2 सरिया में लैप पहले कॉलम बीम जंक्शन में आएगा और बाकी 2 सरिया में लैप अगले कॉलम बीम जंक्शन में आएगा। एट लास्ट दोस्तों लैप के बारे में बताना चाहूँगा। फॉर लैप लेंथ ऑफ स्लैब वी टेक 60D। स्लैब में 60D लैप प्रोवाइड करते हैं वेयर D इज द डायमीटर ऑफ बार। परफेक्ट लैपिंग मस्ट बी जोन ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट और वेयर टेंशन इज लो। लैपिंग शुड बी प्रोवाइडेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। दोस्तों यानी कि एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जहाँ पर टेंशन लो होता है अथवा बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, वहाँ पर लैप प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों यह थे हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लैपिंग को लेकर। इन तरीकों से आप कॉलम बीम और स्लैब में कहाँ कितना लैप देना है यह आप आसानी से बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस डालता रहूँगा। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के बिल्कुल सेंटर में एक लोगो है, उस पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।